राजस्थान में भजनलाल सरकार की ओर से पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की कई योजनाओं को बंद कर दिए जाने से विपक्ष सत्ता पक्ष को जमकर आड़े हाथ ले रहा है। अब विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी करने के लिए शैडो कैबिनेट बनाने का ऐलान कर दिया है। इसमें विपक्ष सभी मंत्री के डिपार्टमेंट्स के साथ सरकार की ओर से लिए जाने वाले फैसलों की बारीकी से पड़ताल करेगा। इसके लिए जल्द ही नए विधायकों के साथ तजुर्बे वाले विधायकों के बीच डिपार्टमेंट्स का बंटवारा किया जाएगा। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शैडो कैबिनेट बनाने की तैयारी में जुटे हैं। पिछली गहलोत सरकार की कई योजनाओं को बंद किए जाने से आहत विपक्ष अब सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक मोर्चा खोलेगा। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले कि सरकार के हर फैसले पर विपक्ष की निगाहें रहेगी, जनहित के खिलाफ सरकार कोई भी कदम उठाएगी तो उसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार की कई योजनाओं को डिब्बे में बंद कर दिया है, कईयों पर तलवार लटका दी है। इसमें नए बनाए गए जिले, अंग्रेजी मीडियम के महात्मा गांधी स्कूल, नए खोले गए कॉलेज, आवास से जुड़े पट्टे के मामले, चिरंजीवी योजना, अन्नपूर्णा किट और स्मार्टफोन योजना जैसी कई योजनाएं हैं जो भजनलाल सरकार को रास नहीं आ रही। विपक्ष भजनलाल सरकार बनते ही राजीव गांधी युवा मित्रों और महात्मा गांधी प्रेरकों की सेवाएं समाप्त करने के फैसले से आग बबूला है। ऐसे में शेडो कैबिनेट बनाकर वो सरकार के हर फैसले की बारीकी से पड़ताल करना चाहता है ताकि सरकार पर दबाव बना रहे। विपक्ष के शैडो कैबिनेट के फैसले को भजनलाल सरकार ने बेकार की कवायद करार दिया है। सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल और झावर सिंह खरा ने साफ साफ कह दिया कि गहलोत के पाप छुपाने के लिए विपक्ष दबाव की राजनीति का सहारा लेना चाहता है। भजनलाल सरकार पिछले 5 वर्षों में हुई अनियमितताओं और गड़बड़ियों का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने लाकर ही रहेगी। वहीं भारत में कई राज्यों में शैडो कैबिनेट बनाते हैं लेकिन वो सत्ता पक्ष के खिलाफ धारदार रवैया नहीं अपना पाते। अब देखना यह है कि क्या विपक्ष की यह कोशिश सफल होगी या फिर इसका भी हाल अब तक बने शैडो कैबिनेट जैसा ही होगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।